मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रिवीजन सेशन ऑफ हिंदी फर्स्ट। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट टुडे इज योर हिंदी फर्स्ट टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर सेकेंड एंड थर्ड। आज आप लोगों का क्या है, हिंदी फर्स्ट का पार्ट दो और तीन का क्या है, टेस्ट है। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से दोनों ही चैप्टर रिवाइज कर लिए होंगे और प्रिपेयर कर लिए होंगे। चलिए हम लोग ये बार इस टेस्ट पेपर का फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम एक बार दोनों ही चैप्टर्स का रिवीजन कर लेते हैं। क्लियर? सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। आपको पहले क्या कंप्लीट करना है, नाम अपना लिखना है, कक्षा लिखनी है और वर्ग लिखना है, नेम क्लास एंड सेक्शन फिल करने हैं। क्लियर? उसके बाद प्रश्न चार से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्लियर? पहला क्या है स्टूडेंट्स, बोझ शब्द का क्या अर्थ है या बोझ शब्द का अर्थ है। तो स्टूडेंट्स, आपका एक क्वेश्चन इस फॉर्म में हो सकता है कि आपको शब्दार्थ लिखने होंगे, कि कुछ शब्दों के अर्थ आपसे पूछे जाएंगे और उसमें आपको विकल्प दिए होंगे, जो आपका सही विकल्प होगा उस पे आपको क्लिक करना है। क्लियर? तो हमारा पहला क्या है, बोझ शब्द का अर्थ है। हमें कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं, गुस्सा, वजन या भार, प्यार या दुख। हमें चार विकल्प दिए गए थे, अब इसमें से बताइए बोझ शब्द का क्या अर्थ है। यस, बोझ शब्द का अर्थ क्या है, वजन या भार। तो इसके सामने वाले सर्कल में हम क्लिक करेंगे और ये हमारा सर्कल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डार्क हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा, राही के दादाजी क्या पढ़ाते थे। राही के दादाजी क्या पढ़ाते थे, ये किस फॉर्म में है, प्रश्नोत्तर के फॉर्म में है स्टूडेंट्स। तो इसका आपको विकल्प चार दिया होगा जिसमें आपको सही उत्तर पर क्लिक करना होगा, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान या गणित। राही के दादाजी उसे क्या पढ़ाते थे, कौन सा विषय पढ़ाते थे। यस, विज्ञान पढ़ाते थे। तो हमारा पहला क्या है, अंग्रेजी, नो, दूसरा हिंदी, नो, तीसरा क्या है विकल्प हमारा, विज्ञान। तो इसके सामने हम क्लिक करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डार्क हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रश्न पांच, नीता सुंदर व समझदार है। हमें सही और गलत जिस तरह से आप लोग ट्रू फॉल्स करते हैं उस फॉर्म में भी हमारा क्वेश्चन पुट अप होगा। तो उसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, नीता सुंदर व समझदार है। तो आपको ये बताना है कि ये हमारा सत्य है या असत्य है, मीन्स सही है या गलत है। तो बताइए हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, नीता सुंदर व समझदार है। वेरी गुड, हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो हम सही के सामने क्लिक करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल डार्क हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने थ्री टाइप्स के पैटर्न देखे अपने क्वेश्चंस के। पहला क्या था, शब्दार्थ के रूप में, दूसरा क्या था, प्रश्नोत्तर के रूप में, और तीसरा क्या था स्टूडेंट्स, सही और गलत में, सत्य और असत्य के रूप में। अब हम क्वेश्चंस के कुछ और भी फॉर्म देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला फॉर्म हमारा क्या हो सकता है क्वेश्चन पुट अप करने का, खाली स्थान भरो के फॉर्म में, कि हमें एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें कोई ब्लैंक स्पेस दिया होगा और उस ब्लैंक स्पेस में हमें कौन सा सही शब्द फिल करना है वो हमें विकल्प में दिया होगा। जैसे गधे को अपनी पीठ पर लगा डैश कम करना था। अब हमारे पास चार विकल्प दिए हुए हैं, पहला क्या है भारी, दूसरा क्या है चालाकी, तीसरा बोझ और चौथा झूठ। तो आप बताइए गधे को अपनी पीठ पर लगा क्या कम करना था। यस, बोझ कम करना था। तो इसके सामने हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा ये कौन सा पैटर्न था, खाली स्थान भरो के फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न आठ, प्रथम का समानार्थी शब्द है। स्टूडेंट, समानार्थी शब्द क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, जो दो या तीन ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक ही निकलता हो, समान अर्थ निकलता हो, उनको हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इस फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है हमारा, प्रथम का समानार्थी शब्द है। प्रथम का अर्थ क्या होता है या उसके जैसा ही कौन सा शब्द है जो अर्थ रखता है। पहला क्या है हमारा ऑप्शन, पहला, अंतिम, दूसरा या तीसरा। प्रथम का समानार्थ रखने वाला शब्द क्या है, वेरी गुड, पहला। प्रथम का समानार्थी शब्द क्या है, पहला। तो इसके सामने हम क्लिक करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डार्क हो जाएगा. क्लियर. लास्ट हमारा पैटर्न क्या हो सकता है, अपना का विलोम है. आखिरी हमारा पैटर्न हो सकता है विलोम शब्द बताने के लिए, कि हमें कोई एक शब्द दिया होगा और उसके विलोम शब्द हमें बताने होंगे. चार विकल्प दिए होंगे, उसमें से जो सही है हमें वो क्लिक करना है. तो हमसे क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया है, अपना का विलोम है, मीन्स विलोम मीन्स उल्टा, अपना का उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है. चलिए विकल्प देखते हैं. पहला क्या है स्टूडेंट, छोटा. दूसरा क्या है, पराया. तीसरा क्या है, मित्र. और चौथा है शाम. तो अपना का विलोम क्या है, यस अपना का विलोम पराया है. तो पराया शब्द के सामने वाले ब्लॉक में हम क्लिक करेंगे और हमारा ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के पैटर्न पे आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होने वाला है. इस तरह से आप जब अपने सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, उसको एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तब आपको लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक करना है और आपका पेपर सबमिट हो जाएगा. स्टूडेंट्स कुछ बच्चे क्या होते हैं कि आप लोग पेपर स्टार्ट करने से पहले ही जैसे ही क्लिक करते हो लिंक पे, तुरंत ही सबमिट कर देते हो. आपका कोई भी आंसर टिक नहीं होता है, ब्लैंक पेपर आप सबमिट कर देते हो. तो ऐसा नहीं करना है, बहुत ही आराम से लिंक को ओपन करिए, क्वेश्चन पेपर रीड करिए और उसको कंप्लीट करने के बाद भी सबमिट करिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. थैंक यू सो मच.